हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं बन्नी माता टेंपल। ये चंबा से लगभग 65 किलोमीटर है, और यहाँ जाने के लिए आप अपने पर्सनल व्हीकल में जा सकते हैं या फिर टैक्सी भी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ये रोड बीच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, 20 किलोमीटर ऑफ रोड है। आप जब भी जाएँ आराम से जाएँ। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चुके हैं बन्नी विलेज। रोड पीछे ख़त्म हो गया, अब हम पैदल चल के जाएंगे 200 मीटर, उसके बाद हम बन्नी टेंपल पहुंच जाएंगे। चलिए दिखाते हैं आपको आगे बन्नी माता। आप रोड देख रहे हैं, अभी हम इस रोड से होके आए हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं सामने बन्नी विलेज। बन्नी माता की जय। बन्नी माता की जय। जय। तो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके हैं बन्नी माता टेंपल। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री विनोद कुमार जी, ये मंदिर के पुजारी हैं। तो विनोद जी कुछ बताइए। जो अभी यहाँ पे यात्री विराजमान हैं, वो यहाँ पे पधारे हुए हैं, श्रद्धालु दर्शन करने के लिए माता के यहाँ पे आए हैं। और जैसा कि आपके द्वारा मुझसे पूछा गया कि बन्नी माता का जो ओरिजिन है कि कहाँ से बन्नी माता प्रकट हुई है,
इसका स्थान जो है वो चोला नामक स्थान है, जहाँ पे बन्नी माता प्रकट हुई है। भरगुट नाम स्थान पे तीन त्रिशूलें निकली है माता की, वहाँ पे बन्नी माता प्रकट हुई है। और उसके बाद उसका जो प्रथम मंदिर है वो छोला नामक स्थान पर बना दिया गया। उसके बाद लिमडी नामक स्थान पे इस बन्नी माता का दूसरा नाम मंदिर है, और तीसरा मंदिर जो है वो यहाँ पे बन्नी माता में है। यहाँ पे बहुत बड़े यात्री आते हैं जो कि अपनी बन्नी माता के लगाव से, अपनी पूजा से, अपनी श्रद्धा भाव से बन्नी माता को खुश करते हैं, तो बन्नी माता उनके साथ चलने के लिए, यहाँ से चिन्ह चलने के लिए तैयार हो जाता है पुजारियों से पूछकर। तो कई विद्वानों के द्वारा यहाँ के इतिहास ये भी बताया गया कि बन्नी माता के इतिहास जो है वो 600 ईस्वी से लेके 700 ईसा पूर्व के मध्य फला फूला। तो ये हिस्ट्री है बन्नी माता का। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत थैंक यू बन्नी माता के बारे में बताने के लिए। कैसी लगी आज की वीडियो, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।